हो गए थे पंचकुला की गर्मी से परेशान, तो सोचा चलते हैं हिमाचल की वादियों में, ठंडी ठंडी हवाओं में, अच्छे से मौसम में। तो आज निकले हैं हम सोलन के लिए, और ये पंचकुला से निकल चुके हैं, और थोड़े ही आगे निकलते ही पहाड़ तो दिखने शुरू हो ही जाते हैं और बादल भी आ गए हैं। और ये जी हम पहुंच गए हैं हिमाचल के एंट्री पे, बॉर्डर पे। यहाँ पे वो टैक्स वगैरह लेते हैं हिमाचल एंट्री का। और जैसे ही एंटर हुई गाड़ी हिमाचल में, तो अलग ही फीलिंग आ गई। काले घने बादल की होगी ये शुरुआत, और ट्रैफिक आप देख ही रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस रोड पे। और ये फोटो सेशन हो रहा है लोगों का। और ये पहुंच गए हैं जी हम टोल प्लाज़ा। और यहाँ पे देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने लोग घूमने जा रहे हैं इस तरफ। अब जैसे ही लॉकडाउन खुला है, बहुत ट्रैफिक है इस रोड पे, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ। हम देख रहे हैं टोल पे कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, लंबी कतार, काफ़ी लंबी कतार गाड़ियों की। पंचकुला से पहले पिंजौर, फिर कालका, फिर धर्मपुर। अब धर्मपुर जा रहे हैं हम, और उसके बाद उससे सोलन। और आपको तीन जगह पे जाम मिलेगा। पहला तो हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पे, जहाँ पे वो टैक्स वगैरह लेते हैं हिमाचल एंट्री का। और उसके बाद टोल प्लाज़ा पे बहुत रश मिलेगा। और उसके बाद आपको टिम्बल ट्रेल है यहाँ, वहाँ भी काफ़ी रश होता है, वहाँ भी आपका 10-15 मिनट आराम से लग जाते हैं आपको। और वैसे तो रोड बहुत ही बढ़िया है, वहाँ जो टाइम लगता है लगता है उतने ही, लेकिन आगे आप बहुत ही सेफली और स्मूथली चले जाते हैं। और यहाँ ये ले रहे हैं मौसम के नज़ारे, बहुत ही प्यारा सीनिक व्यू है इसका, बहुत ही गजब का। दूर दूर तक शांति ही शांति। और अब हम भी कहीं रुकने लगे हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया जाए और मौसम का आनंद उठाया जाए। यहाँ रुकी हैं जी, यहाँ से खाया हमने कुलचा। मैगी स्टॉल्स, कुलचा स्टॉल्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे मिल जाती हैं आपको। और ये जैसे कि सर्दी का सीज़न है, तो ये भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये भी बैठे होते हैं। और इसके बाद एक और बहुत ही अच्छा व्यू दिखने को मिला हमें, बहुत ही काले बादल। तो सोचा क्यों ना रुक के थोड़ा टाइम उसको कैमरे में कैप्चर किया जाए, क्योंकि हर रोज़ तो इतनी दूर आया नहीं जाता, तो फिर यादें ही सही, बंदा देख के खुश हो जाता है। देखिए कितना अच्छा, मतलब कि जन्नत है जन्नत। और बिल्कुल पंचकुला से अप्रोचेबल है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, वीकेंड पे बंदा इजीली आ सकता है यहाँ। सोलन पंचकुला से 68 किलोमीटर्स है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है ये। और सोलन फेमस है मशरूम के लिए और टमाटोज के लिए, यहाँ इसका बल्क में प्रोडक्शन होता है। इट इज नोन एज सिटी ऑफ रेड गोल्ड। हम सोलन में एंटर कर गए हैं। यहाँ ज्यादा पाम ट्रीज हैं। मोस्टली यहाँ फॉरेस्ट ही है सोलन में, और सोलन के पास ही है बरोग, और वहीं हमने रिजॉर्ट बुक कराया था, और वहीं पहुँच रहे हैं हम। और इसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी है, इतनी कम नहीं है सोलन की।
और दूर दूर से घर इसके, जैसे बच्चे ब्लॉक से खेलते हैं, ब्लॉक टाइप में लग रहे थे इसके घर। बहुत ही पीसफुल एरिया है, कुछ ज़्यादा ब्रॉग में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। सोलन में तो काफ़ी ट्रैफिक था। सोलन काफ़ी रौनक वाला एरिया लगा, मार्केट भी काफ़ी भरी हुई थी, बहुत रौनक थी मार्केट में। और इसके बहुत सारे अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, यहाँ के एंशंट टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज और बहुत सारी चीज़ें हैं। सनसेट पॉइंट है और रेलवे स्टेशन है जो कि ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है, बिगेस्ट टूनल है और रिजॉर्ट तो है ही इसके फेमस। और ये हम जा रहे हैं एलिस ड्रीम रिजॉर्ट, और काफ़ी इसका डेंजरस रूट था, डर लग रहा था। सोच रहे थे पहले गाड़ी ऊपर ही हम पार्क कर दें क्योंकि ये काफ़ी नीचे जाके था, लेकिन वहाँ पे सरदार कम्युनिटी के काफ़ी घर थे तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आपके साथ बच्चे भी हैं तो आप इतनी दूर, वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है ये, काफ़ी दूर पड़ेगा तो आप गाड़ी पे ही जाइए, वही बेटर है। लेकिन इतना थ्रिल था रियली, बहुत ही डर लगा जाते हुए, लेकिन जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे सीन ही डिफरेंट था। इतना अच्छा व्यू, मतलब कि हमने ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि सोलन इतना ब्यूटीफुल होगा, इतना मैंने इसके बारे में नहीं सुना हुआ था इसकी ब्यूटी के बारे में। लेकिन जैसे रिजॉर्ट पहुँचे और वहाँ से जो उसके नज़ारे थे नेचर के, रियली इट्स माइंड ब्लोइंग। दूर दूर तक जंगल ही जंगल था और घना जंगल, बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट बना हुआ है। ये मेन है इसका सीनिक व्यू, इतनी अच्छी लोकेशन पे उन्होंने बनाया है, परफेक्ट। पाम ट्रीज हैं सारे इसमें साइडों में, साइडों में क्या, पूरा है ही जंगल, ये जंगल के बीचों बीच बना हुआ है बिल्कुल ये। और मेन बात ये है इसकी जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि ज़्यादा रश नहीं था, मतलब कि बंदा भीड़ भड़के से दूर ही जाना चाहता होता है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जब हिल स्टेशन के बारे में सोचता है, और वही हमें मिला वहाँ जाके जैसा हमने सोचा था। और यहाँ ये जा रहे हैं एक रस्ते में, यहीं पर किसी का पर्सनल कॉटेज बना हुआ था, और क्या लाइफ होगी उनकी, मतलब कि हॉलीडे होम है उनका। इनसे बात भी की थी हमने, कह रहे हैं कुछ महीनों के लिए, जब नॉर्थ इंडिया में काफ़ी गर्मी पड़ने लग जाती है तो कुछ टाइम के लिए हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं हम। और जिनके पास ऐसे हॉलीडे होम हैं तो उनके बारे में तो सोच के लगता है उनको तो गर्मी बर्दाश्त करनी ही नहीं पड़ती होगी, थोड़ी गर्मी पड़ी और चलो जी भागो वहाँ। और बच्चे ही बड़े खुश हैं जी, बच्चों के लिए जी रहे हैं। और सभी को यही मैं तो सजेस्ट करूँगी कि निकलिए, कभी भी बच्चों को तरसाए मत। अगर कभी भी बच्चे आपको कहें कि हमें बाहर घुमाने लेके जाओ तो आप ये बहाने मत लगाइए कि टाइम नहीं है, बच्चों के लिए प्लीज़ टाइम निकालिए, लेके जाइए। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं, शहर से काफ़ी दूर है ये, लोगों के घर जरूर हैं यहाँ आसपास लेकिन सिटी से काफ़ी दूर है। और अब भी वेट कर रहे हैं खाने का, कुछ खाने को मिले इतनी दूर आ गए हैं। तो देखिए बादल तो ऐसे लग रहे हैं कि हमें चीरते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा जो वहाँ पे आओ बेटा, तो कह रहे हैं कि स्नोफॉल होती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी फेब्रवरी, तो पीक पॉइंट पे होती है वहाँ स्नोफॉल, मॉडरेट है, मॉडरेट टाइम में होती है। अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर मौसम वहाँ ठंडा ही रहता है, कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं थी। जैसे कि हम भी जुलाई में ही गए हैं तो जुलाई में मौसम भी ठंडा था, शाम के टाइम काफ़ी ठंड लगने लगी थी वहाँ। और ये रिजॉर्ट का स्टाफ था वो भी इतना वेल मैनर्ड, इतना सॉफ्ट स्पोकन थे सारे वो। हो सकता है क्लाइमेट का, वेदर का, एरिए का इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता हो, जैसे कि हम तो राजस्थान से हैं बेसिकली,
वहाँ पे तो इतनी गर्मी पड़ती है, और सीधे मुँह तो नहीं, ये तो नहीं कहूँगी सीधे मुँह बात नहीं करते, लेकिन गुस्सा जल्दी आ जाता है लोगों को। लेकिन यहाँ पे जैसे उनसे बात कर रहे थे तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, कुछ भी पूछ रहे थे पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। और कुछ व्यू था ही इतना प्यारा कि हर चीज़ वहाँ पे अच्छी ही लग रही थी। बस मुंह पे स्माइल ही है सभी के यहाँ। बहुत ही अच्छा व्यू है रियली। आप आइए एक बार यहाँ, किसी मर्जी रिजॉर्ट में आइए। सारे रिजॉर्ट ही मैंने देखे हैं, जितना भी उनका रिव्यू वगैरह, सभी ही अच्छे बने हुए हैं, अच्छे लोकेशन पे बने हुए हैं। लेकिन ये है एलिस ड्रीम रिजॉर्ट, और ये भी मुझे तो बहुत ही शानदार लगा, और इन्होंने लाइटिंग वगैरह ऑन कर दी है। ये काफ़ी 6-7 बजे का टाइम हो गया है, मतलब कि सनसेट हो रहा है। और ठंड लगने लगी अभी से ही। सोचा तो यही था कि यहाँ पे अब आज कैंडल लाइट डिनर करके जाएंगे, लेकिन फिर से ही कभी आज तो देखते हैं क्या खा रहे हैं। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, भागे फिर रहे हैं इधर उधर कि मम्मा 10-15 दिनों के बाद यहाँ आ ही जाया करो, ले आया करो हमें यहाँ। देखिए सारे दूर दूर तक पाम ट्रीज दिख रहे हैं, और बादल एकदम से ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल नीचे ही आ गए हैं, जो ऊपर हमें माउंटेन्स के ऊपर छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, अब वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा वहाँ, तो बादलों ने सारा कुछ कवर कर लिया है। ऐसे लग रहा है कि बादल वो घरों को क्रॉस करके जा रहे हैं, वहाँ कोई घर नहीं दिखाई दे रहा हमें दूर दूर तक। अब देखिए सिर्फ क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, और सारे माउंटेन्स को ये क्रॉस करके जा रहे हैं, ये देखिए। लेकिन नीचे के जो घर बने हुए हैं वो प्रॉपर सारे दिख रहे हैं, और जहाँ से क्लाउड ऊपर से जा रहे हैं वही घर सारे मतलब कि दिखने बंद हो गए हैं, क्लाउड ने सब कुछ कवर कर लिया है। आई विश कि यही हम एक घर ले ही लें, हम भी हॉलीडे अपने यही बनाने आए, 10-15 दिन के लिए रुके यहाँ। और जी ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, और ये पेश हो गए हैं पनीर पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज, चाय, और मौसम भी चाय वाला ही था, चाय पकोड़ों वाला, क्योंकि ठंडे ठंडे मौसम में और इस प्लेस पे बैठ के चाय पीने का अलग ही मज़ा है। और जो बादल वो उस साइड जा रहे हैं, अगर वो हमारी तरफ आ गए तो लग रहा है आज तो हमें भिगा कर ही जाएंगे वो। अभी तो दूर ही दिख रहे हैं, इस रिजॉर्ट के ऊपर नहीं है। और ये जी हमने सोचा कि पाइन ट्रीज इतने लगे हुए हैं तो डेकोरेशन के लिए हम पाइन ले लें यहाँ से, तो जो उनका स्टाफ है वो ट्राई कर रहा है यहाँ से पाइन तोड़ने के लिए, लेकिन काफ़ी रिस्की था क्योंकि रिजॉर्ट से थोड़ा टच तो कर सकते थे उस ट्री को, लेकिन जो इसके लगे हुए हैं पाम ये काफ़ी दूर थे, तो कोशिश की उन्होंने, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल थे वो, लेकिन तोड़ नहीं पाए। और हमने भी कहा ज़्यादा रिस्क आप ना लीजिए, कोई बात नहीं, अगर हमें रोड पे कहीं और गिरे हुए मिल गए तो हम ज़रूर ले लेंगे वहीं से। इन्होंने ट्राई किया लेकिन अवर बैड लक कि हमें नहीं मिल पाए वो। और अब बहुत इन्जॉय कर लिए है, अब सोच रहे हैं जाने का, लेकिन बच्चे जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो अब सोच रहे हैं कि उनसे कहा कि कोई पंजाबी सॉन्ग लगा दो, बच्चे डांस वगैरह कर लें।
ये देखिए उन्होंने लाइटिंग जैसे ऑन की तो अलग ही नज़ारा बन गया है, अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं ये। सोलन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, अगर हम शिमला भी जाते हैं तो शिमला हार्डली यहाँ से 45 किलोमीटर्स है, और सोलन होते हुए भी बंदा शिमला निकल सकता है, मतलब कि इट इज़ वर्थ सीइंग प्लेस। मुझे लग रहा है कितने सालों से मुझे आइडिया नहीं था कि पंचकुला के नियर बाय जो सोलन है वो इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, अगर होता तो मैं कई साल पहले ही यहाँ आ चुकी होती। चलो जी बच्चों का डांस हो गया शुरू, हमने कहा चलो आपको जितना फन करना है कर लो, अब कुछ रह ना जाए कमी। बच्चों की खुशी के आगे कुछ नहीं है इस दुनिया में, अगर आपके बच्चे खुश हैं तो समझो आपने जिंदगी की हर खुशी हर चीज जीत ली है। रास्ता भी बताया था जैसे आपको पहले, काफी डेंजरस है अब काफी चढ़ाई पे है वो, तो हस्बैंड ने तो काफी आधे रास्ते तो गाड़ी अकेले लेके आए, वॉकिंग करके आए, और जैसे लगा कि थोड़ा इतना नहीं है डेंजरस तो फिर हम बैठे हैं गाड़ी में, लेकिन डर लग रहा है कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ना, जो व्हाट आई फीलिंग, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और भी बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ जो काफ़ी हाइट पे बने हुए हैं, यहाँ से पूरा अच्छा व्यू नज़र आता है, पूरा बरोक का सोलन का, सोलन सिटी दिखाई देती है, ये भी बहुत अच्छा है। पाइन रिजॉर्ट है ये, काफ़ी अच्छा बना हुआ था, ये भी काफ़ी हाइट पे था, और फिर भी हमें नज़र आई नर्सरी, और नर्सरी में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के छोटे बड़े पॉट्स थे, काफ़ी अट्रैक्टिव थे ये, और यहाँ से हमने ये शॉपिंग की, पॉट्स लिए प्लांट्स लिए, और मेरी बेटी को बहुत ही इन चीज़ों का शौक है तो उसने काफ़ी चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट की हैं। ये देखिए कितने सारे चार्मिंग हैं, सारे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत वैरायटी थी इनके पास, हैंगिंग बेल्स थी और रीज़नेबल रेट्स था सभी का, और फिर यहाँ से शॉपिंग करके निकले हैं जी। यहाँ ब्रोग में तो इतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन जैसे इसे 5-10 किलोमीटर आगे गए तो बहुत ट्रैफिक मिला हमें, बहुत ज़्यादा। धर्मपुर में तो फिर पता ही काफ़ी ट्रैफिक होता है, काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह हैं वहाँ। तो फिर इसके बाद हम डिनर करने के लिए रुके द मिंट लीव, ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और काफ़ी रश रहता है यहाँ, इतना ही क्राउड मिलता है, कभी किसी मर्जी टाइम चले जाओ। ये जो लैम्प्स हैं ये तो काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं स्पेशली नाइट टाइम, और बेटी मेरी छोटी सो गई है, थक गए हैं बच्चे, यहाँ से हम फटाफट डिनर करके निकले और फिर पहुँचे जी हम सनवारा टोल प्लाजा। यहाँ भी आप देख ही रहे हैं कितना ट्रैफिक है, मतलब कि वो बात नहीं है कि रात को बंदा सोचेगा मैं ट्रैवल नहीं करूँगा, पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं होगा, सन्नाटा होगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सीन ही लगा है यहाँ, बहुत ही रौनक है पूरी रोड पे, साइडों में सामने रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि वो 24 आवर ओपन रहते हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं है डरने वाली। मतलब आज का जो था हमारी जर्नी इतनी अच्छी, और वहाँ जो सोलन का तो आपने देखा ही है रिजॉर्ट वगैरह, बहुत ही अच्छा, मन खुश हो गया। और आप भी आइए, निकलिए बाहर, घूमिए फिरिए, ऐश कीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए,
और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।